अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल फाइबर्स में। हमने तीन फेजेस की चर्चा की है, पहला रैपिड डीपोलराइजेशंस, दूसरा प्लेट्यू और तीसरा रीपोलराइजेशंस। रैपिड डीपोलराइजेशंस फेज में सोडियम इनसाइड की तरफ आता है, तो यहां हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जैसे ही चैनल दैट इज अ वोल्टेड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होता है तो सोडियम अंदर के साइड में आता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि बाहर प्लस होता है सोडियम के आने के कारण, क्योंकि सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर में पॉजिटिव और बाहर में निगेटिविटी हो जाता है। सिंपली हम देखें कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज और इंट्रा सेलुलर साइड के मेम्ब्रेन में निगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम आयंस ओपन हुआ और इससे क्या स्टार्ट होता है, इससे स्टार्ट होता है रैपिड डीपोलराइजेशन फेज। जब प्लस 20 एमबी तक पहुंचता है तो यहां पे बंद होता है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कैल्शियम का इनफ्लो और पोटेशियम का आउटफ्लो। तो यहां देख सकते हैं कि कैल्शियम इनफ्लो, हालांकि फिगर्स में दर्शाया हुआ नहीं है, कैल्शियम अंदर की तरफ जाएगा और पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। सोडियम चैनल्स पहले ही बंद हो गया है तो दो चैनल्स का अब काम रह गया है, एक कैल्शियम चैनल्स का एक पोटेशियम चैनल्स का। तो कैल्शियम अंदर आता है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम बाहर जाता है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज बराबर रहेगा ना, पॉजिटिव निगेटिविटी जो है वो बिल्कुल समान रूप से रहेगा जितना कि सोडियम छोड़ के गया था। तो सोडियम जितना अंदर आया था जितना पॉजिटिव और निगेटिविटी मेम्ब्रेन के दोनों साइड बना था वो बना रहेगा, क्योंकि एक सोडियम जो है चैनल बंद हो चुका है, कैल्शियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है, इस कारण से नेट चार्ज बना रहेगा। तो प्लेट्यू के बाद तीसरा फेज आता है रीपोलराइजेशन का। अब हम देखेंगे कि सोडियम बंद हो चुका है, अब यहां पर कैल्शियम भी बंद हो गया, सोडियम बंद होता है इस जगह पर जहां से प्लेट्यू फेज स्टार्ट होता है, जहां से रीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट होता है वहां पर कैल्शियम चैनल बंद हो गया, बच गया लास्ट का पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस ओपन है और ये आउटफ्लो चालू रहेगा, तो अब देखेंगे पोटेशियम बाहर निकलते रहेगा कंटिन्यूअस, सिर्फ एक ही आयंस, जिस कारण से ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाता है और रीपोलराइजेशन होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रैपिड रीपोलराइजेशन में जो आयन चैनल है वोल्टेड गेटेड आयन चैनल्स उसके बारे में आइए बात करते हैं। वोल्टेड गेटेड आयन चैनल मुख्य रूप से बना होता है एक अल्फा सब यूनिट से और दो बीटा सब यूनिट से, जिसमें अल्फा सब यूनिट ही वर्किंग माना जाता है। अल्फा सब यूनिट में चार डोमेन होते हैं, डोमेन वन, यहां पर डोमेन वन को दिखाया गया है, या आप देख सकते हैं डोमेन वन ये हो गया, डोमेन टू, डोमेन टू या डोमेन टू, डोमेन थ्री, यहां पे डोमेन थ्री को इस तरीके से दिखाया गया है और यहां पे डोमेन को इस तरीके से। ये फिटों को हमने बस हल्का सा यहां से कट करके ये पोर्शन यहां दिखाया और इसी पोर्शन को हमने इनलार्ज करके यहां दिखाया, और डोमेन फोर, डोमेन फोर और ये डोमेन फोर पूरा दिखाया गया। हर एक डोमेन में S1 से लेके S6 तक 6 अल्फा स्पेनिंग मेम्ब्रेन होते हैं। तो आप देख सकते हो ये स्पेनिंग गोल गोल घुमा हुआ है अल्फा हेलिकल्स, तो आप देख सकते हो यहां पर एक अल्फा हेलिकल्स राउंड अप होता है, फिर ये दूसरे जगह जाता है, फिर ये गोल 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 घूमते हुए, फिर तो इसी तरीके से 6 स्पेनिंग मेम्ब्रेन होता है हर एक डोमेन में, डोमेन वन में भी होगा, डोमेन टू में होगा, डोमेन थ्री में होगा और डोमेन फोर में होता है। ये जो 6 स्पेनिंग मेम्ब्रेन है इसमें 3 लूप्स होंगे, लूप्स कहते हैं जो घुमावदार पर्सन है, ये होगा लूप्स जो एक स्पेनिंग मेम्ब्रेन से दूसरे स्पेनिंग मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। तो इसमें देखेंगे लूप्स कितने हैं, 3 है जी, तो 3 लूप्स होते हैं जो कि 3 एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहरी साइड में होंगे ये लूप्स।
अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स में कि पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड आयन चैनल फास्ट है। सपोज करो एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचता है, कहां से? जो एसए नोड से ऑटोरिदमिक फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, वो इस चैनल में पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है तो ये चैनल ओपन हो जाता है। लेकिन इसके पहले चर्चा करेंगे इस ओपन चैनल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये चैनल्स में दो गेट होते हैं, अपर गेट लोअर गेट। ऊपर के गेट को कहते हैं एक्टिवेशन गेट और नीचे गेट जो यहां पे गोल्ड कलर का दिखाया गया है वो है इनएक्टिवेशन स्टेज। ये चैनल तीन फॉर्म्स में होते हैं जी। पहला जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन में, जिसमें आप देखोगे कि नीचे का गेट डेट इज अ इनएक्टिवेटेड गेट वो ओपन है और ऊपर का गेट क्लोज है। ये देखिए ऊपर का गेट क्लोज है, नीचे गेट ओपन है। तो किसी भी आयंस को क्रॉस करने के लिए दोनों गेट का ओपन होना जरूरी होता है। जैसे ही करंट अराइज हुआ तो लगभग 0.1 मिली सेकेंड के अंदर ही ऊपर वाला गेट ओपन हो गया और नीचे का गेट पहले से ही ओपन था, तो सोडियम अंदर आएगा। तो 0.1 मिली सेकेंड का समय लगता है लगभग। फिर जैसे ही सोडियम इनसाइड आता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, जो पॉजिटिविटी एक्स्ट्रा सोलर साइड में दिखाया गया है, एक्सटीरियर साइड में दिखाया गया है, अब साइटोसोल्स में वो पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सटीरियर में निगेटिविटी आएगा। सोडियम आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो अंदर आता है और अंदर आने की वजह से हम देखेंगे कि अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा आ जाता है। फिर कुछ समय के बाद नीचे का गेट जो है दैट इज द इनएक्टिवेशन गेट वो क्लोज हो गया और ऊपर गेट ओपन ही है। तो दोनों में से कोई एक भी गेट क्लोज हो जाता है तो सोडियम अंदर नहीं आ जा सकता। तो इन तीन फेजेस को या तीन स्टेट को देखेंगे। पहले स्टेट को कहेंगे रेस्टिंग स्टेट, दूसरे कहेंगे एक्टिवेशन स्टेज और तीसरा जो स्टेट है या अवस्था है चैनल्स की उसको कहेंगे इनएक्टिवेशन स्टेज। रेस्टिंग स्टेट में हम देखते हैं तो इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है, एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। एक्टिवेटिंग स्टेज में दोनों चैनल्स ओपन है, दोनों गेट ओपन है और इनएक्टिवेशन स्टेज में हम बात करेंगे तो इनएक्टिवेटेड गेट क्लोज है और एक्टिवेटेड चैनल एक्टिव चैनल ओपन होता है। फिर इसको बहुत समय लगता है कि वापस से जाए और फिर से रेस्टिंग पोजीशन में जाए, तब तक करंट जो है काफी दूर तक निकल जाता है, जिसकी हमने चर्चा की थी न्यूरॉन्स में। तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर जो सेंसर लगा होता है वो होता है S4। S4 ही वो सेंसर है जो कि सेंस करता है करंट को। सपोज करो यदि करंट आता है तो सबसे पहले सेंस करेगा S4 और जैसे ही S4 सेंस करेगा तो वो गेट को ओपन करेगा। तो यहां देखेंगे S4 कैसा है। S4 जो है वो डोमेन 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब देखेंगे कि S4 ही सेंसर है, इलेक्ट्रिकल सेंसर जो गेट को ओपन करता है, तो यहां बात करते हैं ऊपर वाला गेट कैसे बना होता है। ऊपर वाला गेट बना होता है S5 और S6 का जो लूप है, यही लूप सबसे पहले एक्टिवेशन गेट बनाता है। एक्टिवेशन गेट किसके बना होता है, S5 और S6। सपोज करो S5 S6 लूप इस तरह से गोल घुमा हुआ है, हर एक का डोमेन का, डोमेन 1 का, डोमेन 2 का, डोमेन 3 का, डोमेन 4 का, और ये क्लोज कर चुका है ऊपर वाला गेट। नीचे का गेट जिसे कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट वो बना होता है डोमेन 3 और डोमेन 4 के बीच के
लूप को, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन गेट। फिर से मैं दोहराता हूँ, इनएक्टिवेटेड गेट बना होता है डोमेन 3 और डोमेन 4 के बीच वाले लूप का, जिसे हम यहाँ पे गोल्ड कलर का देख रहे हैं, इनएक्टिवेशन गेट जो ओपन और क्लोज हो रहा है। और एक्टिवेशन गेट बना होता है S5 और S6 के बीच वाले लूप्स का। तो एक्टिवेशन गेट बना होगा जिसमें शामिल होगा डोमेन 1 का S5 S6, डोमेन 2 का S5 और S6 का बीच का लूप, डोमेन 3 का S5 S6 का लूप और डोमेन 4 का S5 और S6 का लूप। ये चारों लूप्स मिलके बनाते हैं एक्टिवेशन गेट, जबकि इनएक्टिवेशन गेट बनता है मात्र डोमेन 3 और डोमेन 4 के बीच के लूप से, जो इसे नीचे के साइड से क्लोज करते हैं। तो यहां हम बात करेंगे एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन और रेस्टिंग स्टेज की। जब करंट आता है कहां से, ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कॉन्टेक्टाइल फाइबर में पहुंचता है। तो कॉन्टेक्ट फाइबर में जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है, जो हमने बात की थी कि जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में पहुंचता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचता है, तो फास्ट वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा वैसे ही सोडियम इनसाइड जाता है। तो पहले ओपनिंग होने के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे होना जरूरी है, रेस्टिंग स्टेट पे, मतलब वो अवस्था जब ऊपर का गेट, दैट इज एक्टिवेशन गेट, जो कि बना होता है S5 S6 के लूप से हर एक डोमेन के, वो क्लोज होना चाहिए। और इनएक्टिवेशन गेट जो बना होता है डोमेन 3 और 4 के लूप से, वो ओपन होना चाहिए। ये हो गया रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग अवस्था, विश्राम की अवस्था। एक्टिवेशन स्टेज या कहें कि एक्टिव अवस्था, जिसमें वो एक्टिव हो जाता है, दोनों गेट खुलते हैं, सोडियम अंदर आता है। और तीसरी अवस्था जिसे हम कहेंगे इनएक्टिवेशन स्टेज, जिसमें इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और एक्टिवेशन गेट ओपन ही होता है, लेकिन फिर भी सोडियम अंदर नहीं आ सकता। अब बात करते हैं करंट यदि किस अवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। करंट यदि रेस्टिंग स्टेज पे है तभी चैनल्स ओपन होगा, यदि करंट इनएक्टिवेशन स्टेज पे एक्ट कर रहा है तो चैनल वो ओपन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। हाँ, ये धीरे धीरे खुद ब खुद सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट की तरफ जाएगा, तो इसमें काफी समय लगता है, सेवरल मिलीसेकंड का समय लगता है, जिस कारण से करंट काफी दूर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी ये ओपन हो सकता है किसी भी करंट की एक्टिविटी से। तो करंट कब किस स्टेज को ओपन करेगा जी, रेस्टिंग स्टेट को। एक्टिवेशन स्टेट तो ओपन ही है, इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, करंट आएगा तो ये ओपन ही है, ओपन ही रहेगा। लेकिन जब ये इनएक्टिवेशन स्टेज में चला गया है, यदि करंट आता है तो ये ओपन नहीं होगा। तो यहां बात कर रहे थे हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की, जो कि फास्ट होता है। और यहां पर हमने बात की थी S1 से S6 तक 6 स्पिनिंग मेम्ब्रेन की। ये स्पिनिंग मेम्ब्रेन यहां पे दिखाया भी गया है, अल्फा हेलिकल्स स्पिनिंग मेम्ब्रेन है S1 से लेकर S6 तक, S1 S2 S3 S4 S5 S6। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट है। अल्फा हेलिकल स्पिनिंग मेम्ब्रेन है जिसमें 3 लूप एक्स्ट्रा सेलुलर के साइड में और 3 लूप्स इंट्रा सेलुलर के साइड में, इंटीरियर साइड में होता है। जिस तरीके से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, जो कि फास्ट होता है, उसी तरीके से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स भी होता है, जिसमें हम बात करेंगे। इसमें भी लगभग 6 डोमेन होते हैं, सॉरी 4 डोमेन है और हर एक डोमेन में 6 स्पिनिंग मेम्ब्रेन है, S1 से लेकर S6 तक स्पिनिंग मेम्ब्रेन है। लगभग वो वैसा ही काम करता है जैसा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल काम करता है। इसमें भी बात करेंगे S4 जो है, दैट इज अ सेंसर, जो कि सेंस करता है वोल्टेज को, हर एक डोमेन का S4 वो सेंस करेगा। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, यदि हमने समझ लिया है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैसे एक्ट करता है, हालांकि ये फास्ट चैनल है, बहुत तेजी से ओपन होता है,
काफी सारे सोडियम को इंसाइड करता है, ये थोड़ा स्लो होता है, इसकी संरचना थोड़ा स्लो होता है, इसका सेंसर जो है वो थोड़ा स्लो होता है, ज्यादा करंट महसूस कर सकता, हल्का फुल्का करंट होगा, इंपल्स होगा तो महसूस नहीं करेगा। इसी कारण से हम देखते हैं कि -90 से थोड़ा सा भी करंट ऊपर होता है तो सोडियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड वो ओपन हो जाता है, क्योंकि इसका S4 बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, तो ये बहुत जल्दी ओपन होता है। जबकि हम बात करेंगे ऊपर में -20 MV के पास, तो लगभग +20 MV के आजू बाजू कैल्शियम चैनल ओपन होता है, इसका जो सेंसर होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को होता है। इसी कारण से ये +20 MV के आजू बाजू ओपन होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो यहां हम बात करते हैं आगे कि एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन भी होता है। रिपोलराइजेशन में कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाता है, सोडियम तो पहले ही क्लोज था, सोडियम कहां क्लोज हो गया था, इस जगह पर, कैल्शियम यहां क्लोज हुआ और पोटेशियम जो कि स्टार्ट हुआ था सोडियम चैनल्स के क्लोज होने के बाद, तो पोटेशियम का आउटफ्लो होता है। पोटेशियम कहां जाता है, बाहर की तरफ जा रहा है, कैल्शियम अंदर की तरफ जाता है। तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा, रिपोलराइजेशन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम ओपन होने के कारण पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने के कारण, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स -90 MV तक चला जाएगा नीचे की तरफ। उसी वक्त कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है, जैसे रिपोलराइजेशन फेज स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है, जैसे कि हमने बात की थी। बात करते हैं कुछ टर्म्स की, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम इंटरवल जिसमें कि सेकंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ट्रिगर नहीं करता है, तब तक का टाइम, मतलब पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उन दोनों के बीच का टाइम जब थोड़ा समय तक रेस्ट करता है। यदि रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्गर होता है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड लॉन्गर होता है तो टेटानस होने की संभावना है। तो कार्डियक मसल्स में रिफ्रैक्टिव पीरियड लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू एस्केलेटर मसल्स, इसी के लिए टेटानस जो होता है वो कार्डिक मसल्स में नहीं होता। टेटानस एक इन्फेक्शन है जिसमें मसल्स में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये एस्केलेटर मसल्स में ही देखा जाता है, कार्डिक मसल्स में नहीं, क्योंकि कार्डिक मसल्स में रिफ्रैक्टरी पीरियड काफी प्रोलॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एस्केलेटर मसल्स में। बात करते हैं कुछ ड्रग्स की, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन नामक ड्रग जो है वो साइटोसोल्स में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर जाता है, जिस कारण से कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसका एक और काम है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन का ऐसे नोड पर ऑटोरिथमिक रिदमिक फाइबर को भी ये इनहांस करता हुआ देखा जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर को भी वो इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन, तो दोनों जगह इसका एक्शन है। ऐसे नोड पे ऑटो रिथमिक फाइबर जहां पे वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर में मसल्स के अंदर साइटोसोल्स में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, और हम जानते हैं कि कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं कार्डिक मसल और स्केलेटन मसल्स के बीच का डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि कार्डिक मसल्स में रिफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा होता है स्केलेटन मसल्स के कंपैरिजन में, काफी लॉन्गर है, इसी कारण कार्डिक मसल्स में टेटानस नहीं होता है। कार्डिक मसल स्ट्रेटेड होता है, स्केलेटन मसल भी स्ट्रेटेड है, लेकिन ये ब्रांच होता है कार्डिक मसल्स में। कार्डिक मसल्स की बात की जाए तो सेल्स शॉर्ट होता है, फैट ब्रांच्ड होता है, और टिपिकली एक न्यूक्लियस हो सकता है वो भी सेंटर में। मायोकार्डियम जो होता है फंक्शनली काम करता है सिंसीसियम की तरह, सिंसीसियम मतलब होता है कि इसमें काफी सारे न्यूक्लियस भी देखे जाते हैं, हालांकि टिपिकली एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी दो न्यूक्लियस भी देखे गए। इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं इसमें प्रेजेंट, जबकि स्केलेटल मटेरियल इंडिपेंडेंट सेल्स है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मल्टी न्यूक्लियेट इसका एकदम पहचान है, जबकि कार्डियक में वन न्यूक्लियस ज्यादा होता है,
दो न्यूक्लियस भी कहीं कहीं ऑकेशनली देखे जाते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स तो मल्टी न्यूक्लियट है ये, तो मल्टी न्यूक्लियट हम कह सकते हैं इसको, सिंसीसियम होता ही है न्यूक्लिया, हालांकि लोकेट करता है सार्कोलिम्मा के पास, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस लोकेट होता है सेंटर में, बीच में सेल के जस्ट बीच में लोकेशन होता है। तो दोनों का हम डिफरेंस देख सकते हैं, आप दोनों को फोटो कभी आप निकालोगे तो दोनों का डिफरेंसेस आपको दिखेगा। दोनों स्लाइडिंग फिलामेंट के मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल पे एक्ट करता है आपके हड्डियों को के कारण एक्ट करता है टिपिकली थ्रू द टेंडन और एपोन्यूरोसिस से, पर कार्डिक मसल्स वो फिब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट पे एक्ट करता है, वहां से अपना काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसमें लगभग 25 से 40% माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, बहुत बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जब इसका माइटोकॉन्ड्रिया मात्र 2% ही ऑक्युपाई कर पाता है पूरे सेल वॉल्यूम को। सार्कोमियर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर दोनों का लगभग एक ही जैसा होता है, जेड डिस्क ए डिस्क और आई बैंड दोनों में होता है। हाँ, टी ट्यूबल्स इसमें एक ही होगा सार्कोमियर में, वो भी जेड लाइन में। स्केलेटल मसल्स में टी ट्यूबल्स दो जगह होता है, ई आई जंक्शंस में पाया जाता है। इसमें डायड्स बनता है जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मॉल टर्मिनल सिस्टर्नाई के साथ डायड बनेगा, टी ट्यूबल्स के साथ इसमें ट्रायड बनता है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पे डायड और ट्रायड में। डायड में देखेंगे कि टी ट्यूबल्स जिसे हम ट्रांसवर्स ट्यूबल्स भी कहते हैं और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दो चीज बनता है, एक साइड में है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक साइड में टी ट्यूबल्स। ये बात कर रहे हैं हम कार्डियक मसल्स में। स्केलेटल मसल्स की यदि बात किया जाए तो ट्रायड बनेगा, ट्रायड का मतलब तीन चीज, बीच में टी ट्यूबल्स है और दोनों साइड में हम देखेंगे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टर्मिनल सिस्टर्नाई होता है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टर्मिनल सिस्टर्नाई, इन तीनों के साथ ट्रायड बनेगा, ये देखा जाता है स्केलेटल मसल्स में। बात की जाए टी ट्यूबल्स में तो एक ही टी ट्यूबल्स होता है जो कि जेड के पास होता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि जेड लिंकिंग है, इसी के पास आपको टी ट्यूबल्स दिखेगा और एक सार्कोमियर में आपको एक ही टी ट्यूबल्स दिख सकते हैं। जबकि हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स में तो ये जेड लाइन के पास ना होके ए और आई जंक्शंस के पास होता है, ई और आई जंक्शंस भी आप देख सकते हैं कि ए आई जंक्शंस यहाँ पे होगा, ई और आई जंक्शंस के पास में होता है और लगभग दो होता है एक सार्कोमियर में। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस देखा स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स का। ये भी देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस हम देखेंगे कि जस्ट बीच में होगा इसका न्यूक्लियस, सेल्स के बीच में आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काफी बड़ा है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, सेल्स का न्यूक्लियस देखा जाए बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस देखा जाएगा, जबकि इसका सेल का न्यूक्लियस सार्कोलिम्मा मतलब जस्ट नीचे पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन का। सार्को का मतलब ये मसल्स और लिम्मा का मतलब उसका छिलका या आउटर लेयर, सार्कोलिम्मा का मतलब होगा मसल्स का आउटर लेयर। तो स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लियर है और सार्कोलिम्मा के जस्ट नीचे देखा जाता है, उसके मेम्ब्रेन मसल मेम्ब्रेन के नीचे देखा जाता है, जबकि कार्डियक मसल्स में एक न्यूक्लियस जनरली देखा जाता है, हालांकि दो न्यूक्लियस भी ऑकेशनली देखे जा सकते हैं और मुश्किली से ये देखा जाएगा सेंटर पे, सेल के बिल्कुल बीच में देखेगा। अब बात करते हैं एटीपी प्रोडक्शंस की। कार्डियक मसल्स में एटीपी प्रोडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनारोबिक के साथ साथ एरोबिक मेथड से भी एटीपी का प्रोडक्शंस करता है। सबसे पहले देखेंगे कि 15 सेकंड के अंदर वो क्रिएटिनाइन से एनर्जी डेवलप कर सकता है, एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है। क्रिएटिनाइन और एटीपी दोनों मिलके बनाते हैं एडीपी और क्रिएटिनाइन फॉस्फेट जब मसल्स रिलैक्स होता है, फिर क्रिएटिनाइन फॉस्फेट और एडीपी आपस में मिलते हैं तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट बनता है क्रिएटिनाइन और एडीपी से बनता है एटीपी, और यही एटीपी को यूटिलाइज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस के रूप में। तो डिट इज ओनली इधर 50 सेकेंड, 15 सेकेंड में ही उसने क्रिएटिनाइन फॉस्फेट से एटीपी बनाया। दूसरे साइड में देखेंगे एनारोबिक पाथवे से जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पाइरुविक एसिड बनता है, दो पाइरुवेट बनता है या पाइरुविक एसिड बनता है, फिर उससे लैक्टिक एसिड बनेगा, डेट इज एनारोबिक पाथवे, और लैक्टिक एसिड से
ये लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करता है फिर एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो यदि हम बात करें फ्यूल का, तो फ्यूल इसको बहुत जगह से मिलता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी बड़ा होता है, 30% तक मान के चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहीं कहीं दिखा गया रेंज में, तो रेंज में बात करेंगे 25 से 40%, और एवरेज बात करते तो 30% हम बात कर सकते हैं कि 30% बड़ा होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण इसमें एरोबिक मेटाबोलिज्म होता है जिससे एटीपी बनता है। उसमें फैटी एसिड है, ग्लूकोज, यहाँ तक कि लैक्टेट से भी वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है हार्ट बीट के लिए। तो फ्यूल इसके सामने बहुत ज्यादा है, कहीं से भी वो फ्यूल ले सकता है। और हार्ट जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं जाता, इट इज नेवर ट्रूली एट अ रेस्ट, कभी भी आराम नहीं करता है। तो इसे कंटिन्यूअस एटीपी का प्रोडक्शन चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम एक बात समझना चाहते हैं, फ्यूल क्या है और ऑक्सीजन क्या होता है, दो चीज समझते हैं। मान लो एक गाड़ी जो है वो सिर्फ एक ही तरह के फ्यूल मतलब कि पेट्रोल से चलती है, दूसरी गाड़ी जो है वो पेट्रोल से भी चलती हो और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव में वो CNS या CNG गैस से भी चलती हो, कंप्रेस नेचुरल गैस से भी चलता है और पेट्रोल दोनों से चलता है, या सपोज करो कि पेट्रोल से भी चलता हो, CNG से भी चलता हो, डीजल से भी चलता हो। तो दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं। पहले एग्जाम्पल्स में जिसमें फ्यूल एक ही तरह का हो गया, यदि वो फ्यूल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक सकती है। दूसरे जो एग्जाम्पल है, दूसरी तरह की गाड़ी जिसमें तीन तरह का फ्यूल है, CNG गैस है और दूसरा फ्यूल है पेट्रोल और डीजल, दूसरी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल की कमी नहीं है, हाँ लेकिन दोनों को फ्यूल जलने के लिए दोनों गाड़ियों को चाहिए ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबंसन स्टार्ट नहीं होगा, कंबंसन का प्रोसेस नहीं होगा तो इंजन जो है वो स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए दोनों गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए। पहले गाड़ी को फ्यूल भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, दूसरे गाड़ी को फ्यूल की कोई कमी नहीं है, फ्यूल का अल्टरनेटिव बहुत सारा पाथवे है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा CNG इस्तेमाल कर लेगा, CNG खत्म होगा तो डीजल इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन यदि खत्म हो जाएगा तो उसके पास कितना भी फ्यूल हो वो जल नहीं सकता। तो एस्केलेटर मसल्स में हालांकि फ्यूल का एक लिमिटेशंस होता है कि लैक्टिक एसिड जनरेट होता है कभी कभी एस्केलेटर मसल्स में, उसको भी कार्डिक मसल इस्तेमाल कर लेता है फ्यूल के रूप में। हम दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में कभी कभी क्रैम्प आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड के कारण वहां का पीएच एसिडिक हो जाता है और बहुत सारे एंजाइम वर्क करना कम कर देता है, तो हमें क्रैम्प होता है, हमें मोच लगती है स्केलेटन मसल्स में। उस लैक्टिक एसिड का भी इस्तेमाल, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड ब्लड में जाता है और ब्लड से पहुंचता है कहां पे, हार्ट के पास, और हार्ट उस लैक्टिक एसिड का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो फ्यूल की कमी नहीं है हार्ट के पास, वो फैट से, वो लैक्टेट से, वो ग्लूकोज से, यहाँ तक कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट से भी एनर्जी को डेवलप करता है और ये कभी भी रेस्ट नहीं करता है, कॉन्स्टेंट एनर्जी चाहिए एटीपी के रूप में। तो यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तब प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल की कमी नहीं होती उसको, क्योंकि बहुत तरह का फ्यूल उसको बॉडी से मिलते रहता है कंटिन्यूअस। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मायोकार्डियम में तो जरूरी हो सकता है कि हार्ट के लिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वो बहुत तरह का न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करता है कार्डियक मसल्स कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए। तो यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो सही में वो डेंजर है। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा तो शरीर की बात है कि ब्लड सप्लाई यदि कम हो जाए तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसके लिए डेंजर पैदा हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो वो बहुत तरह का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कभी कमी नहीं महसूस होती है। हाँ, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शंस में हम बात करें कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी भी हो जाए तो चलता है, क्योंकि स्केलेटल मसल कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर रहा है हार्ट की तरह, स्केलेटल मसल थोड़े समय के लिए विश्राम भी करता है, ऑक्सीजन थोड़ी कम भी है तो स्केलेटल मसल्स को चलेगा कि थोड़ा सा वो रिलैक्स कर लेगा, लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, उसको कंटिन्यूअस वर्क करना है तो उसको ऑक्सीजन कंटिन्यूअस चाहिए। और ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन से ही काम करता है स्केलेटन मसल्स, जबकि ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों पाथवे से फ्यूल्स को जुटा लेता है कार्डियक मसल्स। तो यहां हमने बात की फ्यूल्स की, हमने देखा स्केलेटन मसल्स को जो मुख्य रूप से एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है,
उसके लिए यदि ऑक्सीजन की कमी भी होगी तो चल सकता है स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि उसे कंटिन्यूअस वर्क नहीं करना है। कार्डिक मसल्स को कंटिन्यूअस वर्क करना है तो उसे एटीपी बनाने की जरूरत होगी, और एटीपी बनाने के लिए फ्यूल जरूरत होगा, और वो फ्यूल एरोबिक एनारोबिक दोनों पाथवे से इकट्ठा करता है। शरीर में यदि लैक्टिक एसिड भी बन रहा है तो भी उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एरोबिक मेथड्स में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा है उसका, 30% तक या 25 से 45% मान के चले, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी बड़ा है। एरोबिक पाथवे और एनारोबिक पाथवे दोनों पाथवे से वो फ्यूल को इकट्ठा कर लेता है। शरीर में जो भी बनता है लैक्टिक एसिड फैट है या ग्लूकोज है उससे वो एनर्जी ले लेता है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको दिक्कत होगा। दूसरे साइड में स्केलेटल मसल्स एरोबिक पाथवे पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की कमी भी होगा तो स्केलेटल मसल को चलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस वर्क नहीं करता है। स्केलेटल मसल वो आराम करता है, जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तभी हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्रैम्प आएगा हमारे शरीर में, थोड़ी देर हम बैठ जाएंगे चलेगा, लेकिन हार्ट यदि थोड़ी देर बैठ जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि एटीपी प्रोडक्शंस इन कार्डियक मसल्स, यहाँ आप थोड़े समय के लिए विश्राम चाहते हैं।